बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला गुरु होता है। गुरु इंसान और भगवान के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, जो कि इंसान को सही राह बता के परमात्मा तक पहुंचाता है। तो चलिए, हम आज आपको एक ऐसे गुरु स्थान पर लेके चलते हैं जहाँ पे लाखों श्रद्धालु पूरे भारत से गुरु पूर्णिमा बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उस स्थान पर पहुँचने के लिए खुद उस ट्रस्ट की पर्सनल ट्रेन चलती है, खुद की बसें चलती हैं, वो भी निशुल्क। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री परमहंस अद्वैत मत की, श्री अनंतपुर ट्रस्ट की, जहाँ पहुँचने के लिए हमें मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन से ट्रेन मिलती है। उस ट्रेन में बैठ के हम अशोकनगर तक आते हैं। अशोकनगर पहुँच के हमें अनंतपुर ट्रस्ट में जाके बस लेनी पड़ती है, जो कि अनंतपुर दरबार के द्वारा उनके भक्तों के लिए निशुल्क सेवा है, जिसके लिए हमें लाइन में लग के पास लेना होता है और उस पास के अनुसार आपको आपकी बस बताई जाती है। इस पास को भरने के बाद आप चाहे तो बस में बैठ सकते हैं, या जिस श्रद्धालु को भूख लगी हो तो वो लंगर जाके प्रसाद का आनंद ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम अशोकनगर से बस में रवाना हो चुके हैं। अशोकनगर से करीबन 30 किलोमीटर दूर अनंतपुर दरबार स्थित है। सभी भक्त लोग अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनकी भक्ति में लीन होकर अनंतपुर पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अनंतपुर दरबार में, जो कि 6000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1954 में ईसा ग्रह के पास अशोकनगर में हुई थी। ये अनंतपुर दरबार का सबसे विशाल बस स्टॉप है, जहाँ से सारे स्थानों के लिए बसें चलती हैं। यही स्टॉप पे सारे भक्तजन उतरते हैं और इस बस स्टॉप पर उतरने के बाद लाइन लगा के पास लेना होता है। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसको स्टेबल करने के लिए पास की आवश्यकता होती है। ये भी पास निशुल्क प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह ट्रस्ट 1954 में स्थापित की गई। अनंतपुर ट्रस्ट की भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त 1930 में श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने सत्य का रास्ता दिखाने के लिए कठिन साधना की और इस ट्रस्ट का उद्यापन किया। श्री गुरु महाराज जी के द्वारा चलाए गए इस संप्रदाय को नाम दिया गया श्री परमहंस अद्वैत मत। तो चलिए दोस्तों, हम सब लोग अनंतपुर दरबार की ओर चलते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, सभी भक्त लोग श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको ऐसे मंदिर की ओर लेकर जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तराशा गया है। दुनिया के सारे अजूबों में भी इस मंदिर का वर्णन नहीं है, लेकिन यह मंदिर कोई अजूबे से कम नहीं है। इसकी संरचना की कोई तुलना नहीं है। इस मंदिर में लाखों लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का वंदन करने के लिए आते हैं, जहाँ पे सबको मन की शांति मिलती है। बताया जाता है कि यहाँ पे जब गुरु महाराज जी आए थे तो पूरा जंगल ही जंगल था,
यहाँ पे ना कोई फल उगता था ना कोई फूल उगता था, ये एक बंजर जमीन थी। श्री पंचम पातशाही जी ने 16 नवंबर 1954 में आनंद सर का उद्घाटन किया। आनंदपुर की धरती को अति सुंदर रूप देने के लिए आनंद सर की रचना की गई, जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु स्नान के बाद सभी भक्त लोग स्नान करके पाप रहित होते हैं। यह वो विशाल काय द्वार है जहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है। यह वो खूबसूरत मंदिर है जहाँ पे गुरु महाराज जी की प्रतिमा विराजमान है। बताया जाता है कि 13 जनवरी 1955 को अद्वैत मंदिर की नींव रखी गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर 13 अप्रैल 1962 में तैयार हुआ। इन्हीं मंदिरों में श्री आनंद शांति भवन, श्री तृतीय पातशाही समाधि स्थान है, श्री आनंद शांति धाम चतुर्थ पातशाही की समाधि स्थान है जो कि 2 जून 1971 में बना। श्री शांति भवन में 10 अप्रैल 1984 में प्रथम पातशाही की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर आनंद सर के मध्य में स्थापित है। इस मंदिर को श्री तीसरी पातशाही जी ने अपनी इच्छा के अनुसार बनवाया था। यह विशाल मंदिर संगमरमर की शिलाओं से बना हुआ है। इस मंदिर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पातशाही महाराज जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यह वीडियो हम उन गुरुमुखों की जानकारी के लिए बनाते हैं जिन्हें गुरु की भक्ति में रहना पसंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य भक्त लोगों के पास भी यह जानकारी पहुँच सके।